असलाम के दोस्तों, दोस्तों बेहतरीन मौसम के साथ मुजफ्फराबाद में मौजूद हैं, जो आज़ाद जम्मू और कश्मीर के दार हुकूमत है। और यहाँ एक अच्छे मौसम में जिसमें शदीद बारिश हो रही है और ज़्यादा बारिश भी शुरू हो चुकी है, हमारे इस्तकबाल किया है। पुरफजा जगह, पुरफजा मकाम, अच्छी लोकेशन। इस वक्त हम पहाड़ी के दामन में हैं, मुजफ्फराबाद के शहर हमें नीचे नज़र आ रहा है। और हम यहाँ आए हैं एक बहुत अच्छे सेशन में, जिसकी मेज़बानी कर रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और मीज़ान बैंक। उसका हमारा टॉपिक है इस्लाम और तिजारत। अगर हम देखें तो बड़ा इस्लाम ने में बहुत सारी तालीमात दी गई हैं, लेकिन जो अहम चीज़ है वो ये है कि इसके कुछ उसूल हैं। हम पहले दो उसूलों को डिस्कस किया हमने, हमारे साथ और भी लोग थे। पहला तो ये एक हदीस का मफहूम है कि सच्चा और दयानतदार ताजिर जन्नत में नबियों, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन के साथ होगा। कितनी बड़ी खुशखबरी है ये उन ताजरों के लिए, उन बिज़नेस कमेटी वालों के लिए कि जो कारोबार कर रहे हैं। दूसरा बड़ा जो उसूल है वो है कि तिजारत जो है वो अल्लाह की खुशनुदी के लिए, खल्क खुदा यानी आवाम की खिदमत के लिए, और सवाल से बचने के लिए कि हम हलाल ज़रिए आमदनी अपनाएं करनी चाहिए। ये दो बड़े उसूल हैं। दूसरे उसूल के फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पे कि मिलावट और धोखे से तिजारत ना करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के मफहूम बता रहा हूँ मैं, मुख्तलिफ कुरान की आयतों के मफहूम बता रहा हूँ कि मिलावट और धोखे से तिजारत ना करें, आधे मसले तो यहीं ख़त्म हो जाएंगे। दूसरा है ज़खीरे अंदोज़ी की ममानियत है कि आप स्टॉक ना करें, जो भी चीज़ आपके पास हो मार्केट में भेज दें ताकि लोग परेशान ना हो। अगला है इजारादारी या जिसे मोनोपोली कहते हैं ना रखें, और मुकाबले पर जोर दें। इस्लाम का मज़ीद एक जो है वो सब उसूल ये है कि नाप तोल में कमी ना करें। नाप तोल में कमी पे बड़ी वईद है। आप देखें तो कुरान के अंदर एक सूरत ही इस बात के ऊपर है। हराम और सूदी कारोबार की ममानियत है, ठीक है, बल्कि जो सूद का कारोबार है वो तो अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़ जंग से ताबीर किया गया। उसको झूठी ऑफ़र ना करें, यानी किसी को ख़राब करने के लिए झूठी ऑफ़र ना करें, और ना ही झूठी कसम खानी है। ये भी वही है। बहुत अच्छा सेशन था, बहुत अच्छे लोग थे, इंटेलेक्चुअल कस्म के। इसमें हायर एजुकेशन कमीशन की भी नुमाइंदगी थी, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी मौजूद था, तो मीज़ान बैंक भी था, इसके अलावा और बहुत सारे स्टेक होल्डर्स थे। अगली बात है कि बोली पे बोली ना दें। अगर किसी ने एक ऑफ़र कर दी है तो जब तक वो ऑफ़र हाँ या ना में शिफ्ट ना हो जाए, कन्वर्ट ना हो जाए, जब तक आप जो ना अपनी बारी का इंतज़ार करें। बहुत अच्छा उसूल है ये। लेन देन में नरमी और आसानी का पहलू रखें, बहुत ज़बरदस्त है। यानी अगर आपने किसी से कर्ज़ लिया है, किसी को कर्ज दिया है, किसी से मामलात कर रहे हैं, तो दोनों सूरतों में आसानी का, रहम दिली का पहलू रखें। माल के ऐब बयान करें, सही है। और अगला है तिजारत में मशगूल ना रहें कि अपने रब से गाफिल हो जाएं। सूरह नूर में बड़ा अच्छा खुल के एक रुकू इसी से शुरू हो रहा है। डॉक्टर निसार हमदानी साहब की तरफ से इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया था, और उनकी टीम की तरफ से, जिसकी हम पहले भी बड़ी तारीफ कर चुके हैं। बहुत अच्छा माहौल, बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छा मौजू, पार्टिसिपेंट्स भी अच्छे थे। बाहर अब भी बारिश हो रही है और जो लोग आ रहे हैं वो भीगते हुए आ रहे हैं। हमारा भी इस्तकबाल जो है वो इसी तरीके से हुआ। लोगों ने बहुत पज़ीराई की माशाल्लाह। ऑडियंस जवान भी हैं, धेड़ उम्र भी हैं, तालीमात वाले भी हैं, बैंकिंग सेक्टर के लोग भी हैं, यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, और तकरीबन पूरे पाकिस्तान से नुमाइंदगी थी, बल्कि कुछ लोग मुल्क से बाहर से भी आए हुए थे। या आप मुजफ्फराबाद की वादियाँ देखें,
ये मुस्तकबिल पाकिस्तान का। ये मुख्तलिफ फैकल्टी मेंबर्स, अपना और इस चैनल का ख्याल रखें। अब हमारी वापसी है, जाते हुए कॉरिडोर में हमारा कोई इंटरव्यू कर रहा है, हमने उनके सवालों का जवाब दिए, उसके बाद फिर हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़।